ये फिल्म फैक्ट्री बन रही है और उसमें शारिक भाई डायरेक्टर ने, उन्होंने मुझे कहा कि गाना गाना पड़ेगा आपको। शारिक भाई को मैं बहुत पहले से मैंने कहा था कि मुझे गाना गाना है, कभी ऐसा मैंने अरमान जाहिर किया था। तो शारिक भाई ने वो चीज़ अपने दिल और दिमाग में रखी थी और जब ये पिक्चर फैक्ट्री शुरू हो रही थी तो उन्होंने दिमाग बना लिया कि इस फिल्म में फैक्ट्री फैसल को गवाना है। तो एक रोमांटिक ट्रैक उन्होंने मुझसे गवाया है, तो बस अब देखें लोगों को कैसे पसंद आता है इंशाल्लाह। जी अलग तो होता है, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी मुझे और पूरा गाना बाय हार्ट करना पड़ा और कुछ दिन रिहर्सल्स भी किए, तब जाके कुछ अच्छी क्वालिटी, जो भी सुन रहा है पसंद कर रहा है तो शायद अच्छा ही होगा इंशाल्लाह गाना। जी कलाकार तो उसको हर चीज़ ट्राई करना चाहिए और अपने विंग्स फैलाना चाहिए, मतलब अगर वो कुछ ट्राई कर सकता है और करना चाहता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ होती है और तभी एक अच्छा एक्टर भी बन पाएगा, हर ऑलराउंड टैलेंट माना जाएगा। शुरुआत तो पहले आमिर साहब भी गा चुके हैं, सलमान खान भी गा चुके हैं और अब मैंने भी थोड़ी कोशिश की है, तो बस खान लोग भी गा रहे हैं लेकिन सब गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी रणवीर सिंह ने भी गाया है गाना, आप लेकर आए मैं हैं चाहता था कि मेरा गाना अम्मी सुने और मेरी मतलब मुराद थी ये कि मैं ये शुरू कर रहा हूँ और मैंने पहली बार गाया है तो मैं मेरी अम्मी को ज़रूर सुनाना चाहता था और उनसे आप पूछिएगा कैसा लगा उनको। ये तो एक्चुअली गायक जो थे वो पुराने ही ज़्यादा मैं उनको सुनता हूँ, जैसे किशोर दा हुए, मोहम्मद साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब हुए, उनके गाने ज़्यादा मैं सुनता था और सुनता आया हूँ। बाद में ऑफकोर्स और दूसरे अलग अलग सिंगर्स भी आए, उदित जी आए, अभिषेक जी आए, सब अच्छे हैं, सिंगर्स तो अच्छे ही हैं, उनसे ऐसा इंस्पायर हुआ हूँ मैं सब लोग से। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फिर फैक्ट्री पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और ये पिक्चर दिल एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक मेरी ड्रीम थी कि मैं गाना गाऊं, वो शारिक भाई ने पूरी कर दी मेरे लिए और प्रोजेक्ट भी इतना अच्छा है, कैरेक्टर इतना अच्छा है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, अच्छे एक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको भी हमने साथ साइन किया है, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बनाना, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा। नहीं गड़बड़ तो नहीं होगी इंशाल्लाह, पूरी तैयारी करी, मेहनत बहुत किया है तो गड़बड़ तो नहीं हुई और जो लोग सुन रहे हैं, जो मुझे फीडबैक मिल रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव, अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। इश्क तेरा पल रहा मेरे दिलों जान में, चेहरा तेरा रूबरू हर ख्वाब हर बात में। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे दर्शकों को, जो हमारा काम है एज एक्टर्स, एज एंटरटेनर्स, एज अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो प्लीज़ कम एंड वॉच आर फिल्म व्हेन इट रिलीज दिस ईयर, लेटर दिस ईयर। थैंक यू। आमिर साहब ने मुझे गुड लक विश किया है, मैंने उनको बताया 2 दिन पहले कि मैं गाना गा रहा हूँ और पिक्चर भी शुरू हो रही वाली है मेरी जल्दी, तो उन्होंने मुझे गुड लक विश किया और बोला है इंशाल्लाह दुआ करेंगे मेरे लिए कि कामयाब पिक्चर। प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही हैं लेकिन अभी कुछ साइन नहीं हुआ तो सही बात नहीं है बताना, मतलब जब साइन हो जाए तब दिल खोल के, मतलब मैं बिलीव करता हूँ जब साइन हो जाए तब दिल खोल के बताओ, तो बातें तो बहुत चलती हैं तो मैं उस बातों पर सिर्फ जाना नहीं चाहूँगा। मेरा नाम रिबू मेहरा है और मैंने फ़िलहाल टेलीविज़न में काम करा है और ये मेरी ये फैज़ल सर के साथ ये फर्स्ट एसोसिएशन है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जब मैं फैज़ल सर से मिला था तो उन्होंने मेरे को ये जब जो मेरा कैरेक्टर है उसके बारे में ब्रीफ दिया था, जो स्टोरी मेरे को बताई थी, तो उसके अंदर मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और जो प्लॉट है वो तो मैं खैर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट आई एम प्लेइंग एज अ सपोर्टिंग एक्टर इन द फिल्म एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और मेरे को आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जब हम लोग शूट चालू करेंगे इसका, एंड आई होप कि बहुत अच्छे से हम लोग इसे शूट तो करेंगे ही और जो व्यूज़ होंगे, जो ऑडियंस होंगे उनको बहुत अच्छी लगेगी। ये तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता दूंगा लेकिन क्योंकि पहले बता दूंगा तो फिर सारा स्पॉइल हो जाएगा, बट हाँ इट्स अ काइंड ऑफ अ थ्रिलर कि जिसके अंदर रोमांस भी है और एक्शन भी है और थोड़ा सा क्राइम से रिलेटेड है, जैसे पोस्टर भी आपको लग रहा होगा, तो इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा रिवील कर नहीं सकता हूँ। फिल्म तो मैंने ऐसा नहीं करी है, अभी मैंने टेलीविजन में करी है, मेरा जो मेरा पुराना शो है वो ये है मोहब्बतें रहा है जो मैं लास्ट ईयर तक था, और फिलहाल जो मैं नया शो आ रहा है वो मेरा सोनी सब टीवी पे आ रहा है जिसमें श्रेयस तलपड़े ही इज़ डूइंग हिज डेब्यू, तो उसके अंदर आई एम प्लेइंग एज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ कॉप, सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं बहुत लकी मानता हूँ, इनफैक्ट अभी जब गाना सुना है तो आई एम रियली सरप्राइज कि ये पहली बार उन्होंने गाना गाया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा गाया है और आई एम 100% श्योर
कि जितनी भी ऑडियंस है उनको एक गाना बहुत पसंद आने वाला है। मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ जिसके अंदर जो काफ़ी रिच है और वेल्दी है, और वो कैसे मिलता है और फिर क्या क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, मैं बस यही बता सकता हूँ। बहुत फ़र्क है। टेलीविज़न के अंदर हमारे पास टाइम कम होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आज शूट करते हैं और हमें टेलीकास्ट अगले दिन भी दो दिन में देना होता है। मूवीज़ के अंदर आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, अगर थोड़ा लगता है कि ये सीन थोड़ा गड़बड़ हुआ है वो बाद में भी शूट हो सकता है, लेकिन टेलीविज़न में ये नहीं होता है कि अगर आपका दो दिन बाद शूट लगना है तो एक बार जो लग गया है वही करना पड़ेगा, तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है फील टेलीविज़न का। जी इस में तो जो मेरी जो स्टार हैं, जो हीरोइन है, वो हैं मेघा शर्मा, और बाकी मेरे सीन्स फैजल सर के साथ हैं, तो बस सब देखते हैं कैसा होता है। हाय, माय नेम इज़ मेघा शर्मा, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। और इंट्रोडक्शन में ये है कि मैंने पंजाब में बहुत वर्क किया है, बट ये पहली बार मैं डेब्यू करने जा रही हूँ अपनी इस फैक्ट्री मूवी से। मेरे साथ फैजल सर हैं, विभू है, और नथा जी, जो पिपली लाइज वाले नथा जी, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, वो हैं। एक्चुअली मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे ये चांस मिल रहा है, और अगर मुझे चांस मिल रहा है तो इंशाल्लाह मैं पक्का इसको ब्रेक करूँगी। बहुत उम्मीदें हैं, पहली फिल्म के साथ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है, और प्रेशर भी बहुत होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ऑडियंस के सामने आओगे इतनी बड़ी स्क्रीन पर, तो प्रेशर तो होता है बट मज़ा भी बहुत है। मेरे साथ फैजल खान जी हैं इसमें, जो को स्टार हैं मेरे, और प्रभु जी हैं, विभू जी हैं, सॉरी या इस भी पहली फिल्म है ये, टीवी भी काफ़ी काम कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, सब करते हैं, मैंने भी किया, उन्होंने भी किया, सब करेंगे, और इस मूवी को अच्छे से मुकाम पर लेकर जाएंगे और अच्छे से एक्ट करके दर्शकों को लुभाएंगे अपनी एक्टिंग से। मेरा किरदार अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि बट ये साइको थ्रिलर मूवी है, तो इसमें आई एम प्लेइंग मेन कैरेक्टर जो फैजल सर के ऑपोजिट है, और देखो आपको पता लगेगा कि लड़की ने क्या क्या किया है। फिल्म फैक्ट्री एक बहुत अच्छी फिल्म है, और इसके डायरेक्टर मिराज शरीफ मिराज है, फैसल खान लीड स्टार कास्ट। मैं इसमें एक उनके एकदम करीबी क्या कहा जाए उसको, फ्रेंड्स भी हूँ उनका, और बहुत अच्छा दोस्त और उनके साथ ही साथ रहने वाले इस टाइप का करेक्टर है मेरा, कि उसके लिए मतलब एक कहा जाता है ना कि जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है, इस टाइप का करेक्टर है मेरा, और बहुत अच्छा करेक्टर है, बहुत अच्छा अपने आप को मैं ये मानता हूँ कि आमिर जी के साथ में तो काम कर ही लिया, उनके प्रोडक्शन में पिपली लाइफ में एक नाम दिया है उन्होंने, और एक मेरा बहुत अच्छा खुश नसीब भी है कि मैं फैसल खान के साथ भी काम कर रहा हूँ। सिंगिंग के बारे में अब एक एक्टर को सिंगिंग करना हो तो बहुत बड़ी लकी बात होता है, एक एक्टिंग एक मोड़ अलग हो जाता है, और सिंगिंग बहुत टफ होता है, सिंगिंग का करना मतलब बहुत बड़ी बात है, तो मैं यही कहूँगा कि उनकी जो एक्टिंग के साथ साथ में आवाज़ से भी लोग उन्हें पहचाने, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए, और धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि एक उस समय ऐसा था कि वो खुद एक अपना रोल छोड़ के मुझे दिया, और मैं मुझे इतना बड़ा पहचान दिया है, और उसी के बदौलत ही आज मैं यहाँ पे हूँ, और जो भी काम किया है छोटा बड़ा जो भी है वो उन्हीं के बदौलत है। तो मैं तो खुश हूँ कि अम्मी आई हैं, मेरी रिकॉर्डिंग सुनी, गाना, मैं चाहता था कि अम्मी आए और मुझे अपनी दुआएं दें, पहली बार गाना गा रहा हूँ तो काफ़ी हिम्मत करके गाना गाया, अभी अम्मी बताएंगी कि कैसा गाया। बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया जी, बहुत खुशी हुई सुन के, फैसल के लिए आए यहाँ पर, फैसल की खुशी के लिए आए यहाँ, और हमको भी बहुत अच्छा लगा सुन के। क्या जिन गाना कैसा लगा आपको? गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाया फैसल ने। बस दुआ दीजिए, हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
मम्मी ने क्या? नहीं, मम्मी के लिए सरप्राइज था, मैं बहुत डरा हुआ था कि अम्मी आके क्या बोलेंगी, क्योंकि घर वाले जो बहुत फ्रेंकली बता देते हैं, तो अम्मी को अच्छा लगा, बस वही मुझे दिल की खुशी होती। किरदार बहुत डिफ़िकल्ट है, और क्योंकि कम कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, तो लंबे लंबे डायलॉग्स भी हैं, काफ़ी रिहर्सल्स हो रही हैं, तो बहुत ही, और एक्साइटिंग कैरेक्टर है, ऐसा बहुत थ्रिलिंग कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है कि कैसा आगे बोलेगा करेगा, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो सब मज़ा आएगा ऑडियंस को देखने में। दोनों ही अच्छा गाते हैं, दोनों अच्छा गाते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? दोनों मेरी आंखें हैं, ये दुखेगी तो तकलीफ होगी, ये दुखेगी तो तकलीफ होगी।